प्रत्यर्पण रोकने को कपिल सिब्बल की लंदन कोर्ट में अर्जी जाने सच। दावा सोशल मीडिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल को लेकर फर्जी खबर वायरल हो रही है। इसके मुताबिक सिब्बल ने भगोड़े शराबी व्यापारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को रोकने के लिए लंदन कोर्ट में अर्जी दायर की है। फेसबुक पेज नमो पर किए गए पोस्ट में एक खबर का स्क्रीनशॉट लगाया गया। इस खबर का शीर्ष था, माल्या को अभी इंडिया मत भेजो, चुनाव पर असर पड़ेगा। कपिल सिब्बल की लंदन कोर्ट में अर्जी इस पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 13,000 बार शेयर किया चुका था। इस खबर का स्क्रीनशॉट फेसबुक के अलावा ट्विटर पर भी खूब शेयर किया गया है। कुछ यूजर ने अपने ट्वीट में पूछा भी है कि क्या यह खबर सच है, सच क्या है। कपिल सिब्बल ने विजय माल्या का प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए लंदन कोर्ट में किसी तरह की अर्जी नहीं दायर की है। सोशल मीडिया पर जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वह एक व्यंग करने वाली वेबसाइट हैकिंग न्यूज के आर्टिकल की है। कैसे की पड़ताल, टाइम्स फैक्ट चेक ने पहले गूगल पर वायरल हो रही खबर को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद गूगल पर कपिल सिब्बल माल्या कीवर्ड सर्च किया, रिजल्ट में सबसे ऊपर फैकिंग न्यूज का वही आर्टिकल मिला जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इस वेबसाइट की बाकी खबरों को देखकर साफ पता लगता है कि देश दुनिया की बड़ी खबरों को व्यक्तिमक तरीके से पेश किया जा रहा है और ये फेक होती है। वेबसाइट के दाई और ऊपर एक विलंब भी दिया है जिस पर क्लिक करके पाठ कोई फेक न्यूज लिख सकते हैं। टाइम फेक चेक ने अपनी पड़ताल में पाया है कि विजय माल्या के बाहर भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की लंदन कोर्ट में अर्जी दायर करने वाली खबर फर्जी है। ये असल में एक व्यापक तरीके से फेक न्यूज प्रकाशित करने वाली वेबसाइट का आर्टिकल है जिसे सच माना जा रहा है। थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।